नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में कुछ अभ्यर्थी जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 1722 सीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आज 1 मार्च 2021 है और 27 फरवरी 2021 को कॉपी का स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है। जो आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम दिया है उसकी कॉपी की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। बात समझ आ रही आप लोगों को? कभी भी आ सकती है। तो भोज के समय कोहरा रोकने के भरोसे बैठना नहीं, तैयारी करना है। क्या करना है? तैयारी। आप लोगों को पता होगा कि अपना स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप जब 3 जनवरी को आप लोग का रिटर्न एग्जाम हुआ था, 5 जनवरी से हमने ड्राइविंग बैच की शुरुआत की और आज 1 मार्च हुआ है और अभी तक तकरीबन 213 कैंडिडेट अपने ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन ले चुके हैं। कितने कैंडिडेट? 213 कैंडिडेट। और आप लोग भी अभी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये लोग अभी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देने के दरमियान मैं अभी इन लोगों को बताऊंगा कि ट्रैफिक साइन क्या होता है, कैसे होता है ना, तो ट्रैफिक साइन कितने प्रकार के होते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट इन लोगों को समझाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो ट्रैफिक साइन से जो सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो हमारा स्कोरिंग होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम होता है तो कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, होता है ना, क्रिकेट होता है तो पावर सुपर ओवर जो होता है या फिर पावर प्ले, सब स्कोरिंग होता है। क्या होता है? स्कोरिंग। उसी तरह जो ड्राइविंग टेस्ट में ये जो ट्रैफिक साइन होता है ये क्या होता है? स्कोरिंग होता है। तनिए सा रट लीजिए 50-60 को 100 को, उसमें से तो अधिकांश जो आप देख के बता सकते हैं। 10-20 को 50 को जो उसको पढ़ लीजिए तो 20 में 20 नंबर आना ही आना है। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग अभी जानेंगे कि ये क्या है, कैसे है। बाकी गाड़ी चलाना जो टी ऑप्टिकल कितना सावधानी का काम है आप लोग को पता ही होगा, है ना। इसके अलावा सवाल जवाब जो 20 नंबर का पूछा जाता है वो कितना टफ है आप लोग को पता ही होगा। इंटरव्यू देना कैसे हो तो हमने आपको बताया है और उसमें 10 नंबर आपका आ जाएगा। वो आप जब अपियर होते हैं ना वहाँ पे, उस पर ही आपका 10 नंबर डिसाइड हो जाता है कि इसको मिलना है कि नहीं मिलना है। बात समझ आ रही है? इसको बढ़िया से सीख लीजिए तो 20 नंबर किधर नजर आएगा पता है? जेब में नजर आएगा। किधर नजर आएगा? आप लोग को पता है कि स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप पे जो लोग ट्रेनिंग कर तो उनका नौकरी जेब में रहता है। किधर रहता है? जेब में। अभी वाला क्लास कर लीजिए, 20 नंबर किधर नजर आएगा? जेब में नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में हॉस्टल कैंपस में जो लगा हुआ है बैनर देखिए सर, इसको ना इसी तरह से लीजिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैमरा ही लीजिए वरना यूट्यूब पे वीडियो खराब आ जाएगा। यूट्यूब पर भी बहुत सारे ट्रेनर हैं जो हमारे वीडियो को देख के सीखते हैं, स्टूडेंट तो सीखते ही सीखते हैं, उनके लिए भी कुछ छोड़िए, ठीक है, उसके लिए भी कुछ छोड़िए। बात को समझिए, अब देखिए वीडियो हम कैसे एडिट करेंगे, हमरे देख के एडिट करेगा, क्या पढ़ा रहे हैं क्या लिख रहे हैं ना वो भी हमरे देख के लिखेगा, क्या बोल रहे हैं हमरे सुन के बोलेगा। लोग कह रहे तो कुछ छोड़िए, उस सबका पेट पर ड्रम गिराइएगा आप। उस सबका भी पेट रोटी है, बाल बच्चा है, ध्यान दीजिए इस पर। अब बेरोजगार लोग है तो कुछ न कुछ तो सीखेगा ना जी। इसको देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें बहुत सारा साइन सिंबल है, कोई लाल है, कोई बुल्लू है, कोई त्रिभुज के अंदर है, कोई चतुर्भुज के अंदर है ना, सब तरह का है। तो जानना है कि इसमें कौन कैसा है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्या प्रकार का साइन होता है, क्या प्रकार का होता है, क्या प्रकार का। पहला आपको बोलते हैं आदेशात्मक, क्या बोलते हैं? आदेशात्मक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं मैंडेटरी। उसमें आपको हिडन कमांड छुपा हुआ रहेगा, उसमें आपको आदेश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, इसको देखिए, नंबर एक को रुकिए, बोले तो स्टॉप, क्या है? आदेश मिल रहा, रुको स्टॉप, क्या मिल रहा है? आदेश मिल रहा, यानी कि ये कैसा साइन हो गया? आदेशात्मक को पहचानने का टेक्निक हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। आदेशात्मक को पहचानने का टेक्निक बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर कोई आदेशात्मक साइन है तो चरखूट रहेगा, कहीं चरखूट या गोलाकार जैसा भी हो, अंदर बैकग्राउंड उसका कैसा रहेगा? लाल रहेगा। कैसा रहेगा? लाल। देखिए इसी को, देखिए इसको देख लीजिए, कैसा है बैकग्राउंड? कैसा है बाबू? लाल है। बात समझ में आ गया? बैकग्राउंड कैसा है? लाल है, लेकिन ऐसे जनरली लाल रहता नहीं है, जैसे मान के चले कि आगे जाना मना है। इसमें भी हमको क्या मिल रहा है? कमांड मिल रहा है कि आगे आप नहीं जा सकते। इसमें आप असली तरीका से समझ जाइएगा, देखिए गोल घेरा रहेगा, क्या रहेगा? गोल घेरा। अपवाद था रुकिए वाला, स्टॉप वाला। जनरली आदेशात्मक में क्या रहेगा? गोल घेरा। जितना गोल घेरा है लाल, जितना है लाल में गोल घेरा, सब क्या है? क्या है? आदेशात्मक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं मैंडेटरी। इसमें आपको कमांड मिलता है, ऑर्डर मिलता है, क्या मिलता है? ये करने का नहीं, ये करने का नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर गोल घेरा में है, एगो बगल से गाड़ी जा रहा है, एगो बगल से रास्ता काटल है, मतलब एक तरफ का रास्ता है, दोनों बगल आना जाना नहीं है, कौन हूँ एक बगल जाना तो इधर बगल जाना है, जी सर, ठीक है। रेड से घेरा रहेगा और बैकग्राउंड कैसा रहेगा? व्हाइट रहेगा। उसको क्या कहेंगे? मैंडेटरी साइन कहेंगे। क्या कहेंगे? मैंडेटरी साइन। आदेशात्मक इससे हमको क्या मिलेगा? आदेश। फिर देखिए अगला में, देखिए लाल घेरा, यहाँ पर शुरू से शुरू कर, देखिए लाल घेरा, इसको देखिए,
लाल घेरा है, बैकग्राउंड ब्लू न हो के यहाँ पर क्या है, सॉरी व्हाइट न हो के क्या है, ब्लू है, लेकिन घेरा तो लाल है। वाहन खड़ा करना मना है। फिर आपको क्या मिल गया, इसको बोलते हैं नो पार्किंग। क्या बोलते हैं, नो पार्किंग। ये पार्क करना खड़ा करना मना है। इसे पी लिख के भी काटा रहेगा तो उसको लोग नो पार्किंग कहता है, लेकिन यहाँ पर नो स्टेज तो कह सकते हैं, वाहन खड़ा करना मना है। फिर देखिए, आपको लाल से गोल घेरा है, बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट, हॉर्न का चिन्ह देके काट ले, मैंने हॉर्न बजाना मना है। इंग्लिश में उसको कहते हैं हॉर्न प्रोहिबिटेड। क्या बोलते हैं, जो लोग है उसको प्रोहिबिटेड बोलने नहीं, मैट्रिक है, ठेंगा छाप है, क्या है, ठेंगा छाप समझते हैं ना, प्रोहिबिटेड बोलने नहीं आएगा, प्रशिक्षण बोलने भी नहीं आता है। ध्यान दीजिए, हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाने की मना ही है। यहाँ पर आप हॉर्न नहीं बजा सकते। कहाँ नहीं बजाना है आप लोग को पता है, हॉर्न कहाँ नहीं बजाना है, अस्पताल के सामने, चर्च छोड़िए, हॉस्पिटल के सामने नहीं बजाना है, कोर्ट कचहरी के सामने नहीं बजाना, और समाहरणालय के सामने नहीं बजाना है, ठीक है, वीवीआईपी के आवास के आसपास हॉर्न नहीं बजाना है। ये रहा आपका हॉर्न बजाना मना है। फिर इस साइन को देखिए, यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल का चिन्ह है, आई कौन सी का चिन्ह है, कार का चिन्ह, कटले है, मतलब इधर से मोटरसाइकिल या कार वगैरह नहीं जाएगा। लिखा हुआ है मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश का मनाही है, निषेध का मतलब होता है मनाही है। बस समझ में आ गया, इंग्लिश में कहेंगे मोटरसाइकिल प्रोहिबिटेड। क्या बोलेंगे, मोटरसाइकिल प्रोहिबिटेड, मतलब मोटरसाइकिल ले जाने का मनाही है। फिर आगे जाएंगे तो देखिए बैलगाड़ी है, क्या है, बैलगाड़ी, सड़क छाप लोग को चढ़ने के लिए बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी निषेध है, क्या है, बैलगाड़ी निषेध है, इधर बैलगाड़ी ले जाना नहीं है, ठीक है। भी वीआईपी आदमी के नजदीक में ले जाइएगा बैलगाड़ी, है नहीं ना, ले जाइएगा, तो बैलगाड़ी ले जाने का मना ही है। फिर देखिए ये यू टर्न है, ये क्या है, यू टर्न, यू जैसा दिख रहा है, यू टर्न कट ले, हमारे यू टर्न इधर लेना, यू टर्न की मना ही है। बस समझ में आ गया, उसको कहेंगे यू टर्न प्रोहिबिटेड। क्या कहेंगे, यू टर्न प्रोहिबिटेड। बात समझ में आ गई, फिर चलते हैं गोला में। एगो गाड़ी बेचारा आराम से जा रहा है, और दूसरा लहरिया कटमार के इससे आगे निकलना चाहता है, काट दिया है, यानी कि ओवरटेक करना मना है। इंग्लिश में कहेंगे ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। क्या कहेंगे, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। देखिए फिर गोला में आ गया, पैदल यात्री मटक मटक के चल रहा है, और उसको इसे काट दिया, माने पैदल चलना मना है, पैदल यात्री घर से नहीं जा सकते हैं। पैदल यात्री को इंग्लिश में कहा जाता है पेडेस्ट्रियन। क्या कहा जाता है, पेडेस्ट्रियन, निषेध को प्रोहिबिटेड, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। इंग्लिश में समझे, हिंदी इंग्लिश दोनों सीखे, क्या आप सड़क छाप ट्रेनिंग सेंटर में नहीं है, मुस्कुराई आप कहाँ है, मुस्कुराने का पैसा नहीं लेते हैं, ट्रेनिंग देने का 18,200 लेते हैं, ठीक है, वो पहले पैसा लेते हैं, पता है ना, पहले पैसा लेते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत है तो हाथ खड़ा कीजिए ना, वही बात। तो ये रहा आपका पैदल यात्री मना है, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। फिर हमको आदेश मिल रहा है, चाहते हैं कि देखिए जो सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या के घर बाया में है, उसका बाप वहाँ पर ही वाला सिग्नल लगा दिया है, यानी बाया मोड़ना मना है, मैंने सुंदर कन्या का इधर नहीं जाना है, जाइएगा तो कटाइएगा। बस समझ में आ रहा है, इधर है बाया मोड़ना मना है, बाया नहीं मुड़ सकते हैं आप, बस समझ में आएगा, जाओ जाओ सीधा जाओ, सुंदर कन्या के घर की तरफ नहीं जाना है। अब देखिए, अब फिर गए, अब दूसरी सुंदर कन्या, आजकल के लड़का दो पर रहता है, तो कि दहिना बगल एक और है, फिर उसका बाप जान गया कि वो लगाया है बाया वाला, वो कैसे वाला लगा दिया, दाया वाला, तो दाया मुड़ना मना है, तो सीधा जाना है गधे, बाया दाया नहीं करना है, दाया मुड़ना मना है। इसको हिंदी में कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में कहेंगे राइट टर्न प्रोहिबिटेड। बात समझ में आ गया, चलिए उसके बाद अब एक और है, अभी दाया बाया मना कर दिया, देखिए अब एक और है, गधा था तीन गो के चक्कर में था, ठीक है, जो है सीधा जाने पर भी मना कर दिया है, आगे जाना माना मैंने जहाँ है वही रहो। बात समझ में आई, कुल मिला के स्टॉप क्या है, जहाँ है वही ठहर जाओ, यानी कुल मिला के लड़का जो बेहूती लड़का है, ना दहिना जाएगा ना बाया जाएगा ना सीधा जाएगा, आगे जाना भी मना है। बात समझ आ रहा है ना, अगला तरफ चलते देखिए, फिर गोला में है 50, क्या लिखा हुआ है, 50, यानी कि हमारा स्पीड लिमिट है, क्या है, स्पीड लिमिट, इस रास्ता में 50 से ज्यादा का स्पीड में नहीं चला सकते हैं। बात समझ में आ गया, 50 से ज्यादा के स्पीड में आप नहीं चला सकते, चलाइएगा तो फाइन हो जाएगा। यस सर। फिर देखिए, इधर से तनी सा नोख निकला हुआ है, एन से तनी सा नोख निकला हुआ है, 2m लिखा हुआ है, m माने मीटर, क्या है, 2 मीटर, 2 मीटर से ज्यादा चौड़ा जो गाड़ी है, देखिए इधर से है यानी चौड़ा है, 2 मीटर से ज्यादा चौड़ा गाड़ी को आप उस रास्ता से नहीं ले जा सकते, मतलब रास्ता जो है 2 मीटर का ही है, तो 2 मीटर से ज्यादा चौड़ा गाड़ी आप उस रास्ता से नहीं ले जा सकते। बात समझ में आ गया। फिर चलिए अगला साइन की तरफ चलते हैं, जो कि लाल और
राइट, 3.5 मीटर। नोक किधर से है? ऊपर से है। किधर से है? ऊपर से है। बात को समझिए, नोक ऊपर से है, किधर से है? ऊपर से। यानी मीटर 3.5 मीटर है, यानी कि 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंचा गाड़ी उस रास्ता से आप नहीं ले जा सकते। ले जाइएगा तो गाड़ी फंस जाएगा। देखिए पुल आर पर बैरियर रहता है, बैरियर आर मान लीजिए 3.5 मीटर पर दे दिया, तो उस रास्ता से आप 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंचा गाड़ी को नहीं ले जा सकते। बात समझ में आ गया? और आगे बढ़ते देखिए, ये देखिए देखिए एकदम पूरा लाल है, एकदम काटल है। देखिए लाल घेरा में ब्लू बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कैसा है? ब्लू। तो लाल से काट दिया है, ठहरना व खड़ा होना मना है, यानी कि स्टे भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। नो पार्किंग और नो स्टे, ठीक है, नो स्टे नो पार्किंग, इसको बोलिए ठहरना व खड़ा होना मना है, ठीक है। अब फिर और खोजिए गोल घेरा वाला, गोल घेरा और किधर है? नीचे में है। देखिए सर जी हो नीचे दिखाइए, फिर एक तरफ का रास्ता ही तो ऊपर में था ही। देखिए इधर बगल से आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते, ये हो गया आपका एक तरफ का रास्ता। फिर देखिए ट्रक है, कौन सी है? ट्रक। ट्रक को काट दिया, मैंने ट्रक करने से नहीं ले जाना, इसको बोलते हैं ट्रक प्रोहिबिटेड। क्या बोलते हैं? ट्रक प्रोहिबिटेड। बात समझ में आ गया? फिर गोल घेरा में देखिए आना जाना दोनों मना है, बात समझ में आ रहा है? इसको आना और जाना दोनों मना है। इधर देखिए नाव है, वाला गोल वाला भी देखिए, पहले गोल वाला इसको कहते हैं एक्सल, इसको क्या कहते हैं बाबू? एक्सल। दुगो चरका चक्का है, मान लीजिए कि दुगो चक्का है, चलिए ऊपर हो जाए सर जी, दुगो चक्का है, एगो चक्का ये हुआ, एगो चक्का ये हुआ, और दोनों के बीच में रोड जो लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गाड़ी का अधिकांश भार किस पर रहता है? एक्सल। अधिक गाड़ी का सारा भार किस पर रहता है? एक्सल। तो इसको देखिए, इसको गौर से देखिए, इस पर लिखा हुआ एक्सल पर ऊपर से तीर दे के 4 टी दे दिया है, क्या दिया है? 4 टी, यानी कि एक्सल पर जो है लोड 4 टन से ज्यादा अगर होगा तो उस रास्ता से आपको जाना नहीं है। इसे गांधी सेतु और हो जाता है कभी कभी डैमेज, या फिर वो है सिमरिया पुल है ना बेगूसराय में, तो सब कभी कभी डैमेज हो जाता है कोई भी पुल, तो लोड लिमिट लिख दिया जाता है खास करके ट्रक कार वाला के लिए जानबूझ के, क्योंकि वही सब ना ओवरलोड करता है, पुल को धंसा देता है, क्या करता है? धंसा देता है। बात समझ आ रहा है ना? पुल नहीं धंसे उसके लिए क्या लिख देता पहले से 4 टन से ज्यादा अगर आपके एक्सल पर लोड है, तो आदेशात्मक समझ गए? आदेशात्मक साइन में आपको कुल मिला के आदेश मिलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। छुट्टा चरने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता है, बस समझना है। तो बताइए कि अगर आप लोग अनुशासन में नहीं रहिएगा तो आदेशात्मक चिन्ह का कहियो पालन कीजिएगा? इसलिए यहाँ पर अनुशासन में रखा जाता है, आपके जो जुआ नहीं खेला जाता है, बस समझना है। खेलने आए हैं तो वही बात, ट्रेनिंग करने आए हैं, बस समझना है ना? वही बात, पहले आदेशात्मक साइन आता है इसलिए आप लोगों को आदेश दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को अनुशासन में रखा जाता है। अब दूसरा तरह का साइन देखेंगे, उसको कहते हैं कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल। क्या कहते हैं? कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल। बात समझ में आया? कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल यानी कि निश्चित है कि आपको दिशा नियंत्रण करना है, वो दिशा नियंत्रक चिन्ह होता है, क्या होता है? दिशा नियंत्रक चिन्ह। तो इसको देखिए, इससे हमको दिशा का ज्ञान मिल रहा है कि बाएं मुड़ना जरूरी है। ब्लू रहेगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा रहेगा? ब्लू। और व्हाइट से उसको नोटेशन करेगा, नोटेशन किससे रहेगा? व्हाइट से। ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट नोटेशन, बाएं मुड़ना जरूरी है, बाया बगल का, यानी कि आपको किधर जाना जरूरी है? बाया मुड़ना जरूरी है। बस समझ आ गया? यहाँ पर भी आपको कमांड ही मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको ऑर्डर ही मिल रहा है कि किधर मुड़ना जरूरी है, बाया जरूरी है। फिर देखिए अब ब्लू बैकग्राउंड खोजिए, ब्लू बैकग्राउंड फिर आपका यहाँ आ गया, देखिए ब्लू बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया, हॉर्न बजाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंपलसरी बता रहा है कि आपको क्या करना है, हॉर्न बजाना ही है, जैसे स्कूल आर के सामने हॉर्न बजाना जरूरी होता है, ये हो गया कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल वाला आपका। फिर देखिए दाएं मुड़ना आवश्यक है, किधर मुड़ना आवश्यक है? दाएं मुड़ना आवश्यक, ये भी क्या हो गया कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल। कैसे पहचानेंगे कि कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल है? ब्लू बैकग्राउंड रहेगा, बैकग्राउंड कैसा रहेगा? चिन्ह कौन सी से रहेगा? बात समझ में आ गया? आपका दाएं मुड़ना आवश्यक है। फिर देखिए ब्लू बैकग्राउंड खोजिए, यहाँ देखिए केवल आगे बढ़िए, केवल आगे बढ़िए, न दहिना जाना है न बाया जाना है, केवल किधर जाना है? आगे। यानी कि आपका कैसा चिन्ह हो गया? कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल। क्या हो गया? कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल, यानी कि दिशा नियंत्रक चिन्ह हो गया। क्या हो गया? पहला था आदेशात्मक, दूसरा है दिशा नियंत्रक। बात समझ में आ गया? चलिए तीसरा चिन्ह की तरफ चलते हैं, या तो आगे बढ़िए या तो बाएं मुड़िए, तीसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, या तो आगे बढ़िए या तो बाएं मुड़िए, तो आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना मना है। बात समझ में आ गया? सॉरी, आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बात समझ में आ रहा है? अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी, ठीक है। कैसा चिन्ह हो गया? कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल। बात समझ में आ गया? और देखिए यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि आगे जाइए या फिर दाएं जाइए,
आगे बढ़ना या दाएं मुड़ना जरूरी है। ये भी कैसा साइन हो गया? कंपल्सरी। डायरेक्शन कंट्रोल, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाला साइन समझ गया सब? तीन प्रकार का साइन समझ गया। पहला था आदेशात्मक, जो इसका बैकग्राउंड कैसा रहता था, व्हाइट, घेरा कैसा रहता था, बस समझना है, तो वो था आदेशात्मक। दूसरा आपने पढ़ा कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल, यानी कि दिशा सूचक आपने पढ़ा। क्या पढ़ा? दिशा सूचक। अब आप लोग पढ़िएगा इन्फॉर्मेटरी। क्या पढ़िएगा? इन्फॉर्मेटरी। उसको कहते हैं सूचनात्मक। क्या कहते हैं? सूचनात्मक। इससे आपको सूचना मिलेगा। क्या मिलेगा? सूचना मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सूचनात्मक सीन। देखिए यहाँ सबसे ऊपर में प्राथमिक चिकित्सा चौकी, देखिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है ना, यहाँ पर बैंडेज पट्टी होता है, झोरा छाप डॉक्टर करता है, वही हो गया ये प्राथमिक चिकित्सा चौकी। क्या हो गया? प्राथमिक चिकित्सा चौकी। बात समझ में आ गया? इससे आपको सूचना मिल रहा है कि आगे जाके क्या है प्राथमिक, या फिर यहाँ पर क्या है प्राथमिक चिकित्सा चौकी है। तो ये हो गया आपका कैसा चिन्ह? इन्फॉर्मेटरी। क्या हो गया? इन्फॉर्मेटरी। देखिए आराम करने का जगह आगे है, मान कर चले वैलेंटाइन डे का दिन है, ठीक है, मान लीजिए किसी को लेके जाना है तो उसके लिए देखिए अगर रहेगा होटल आर के नजदीक लागल तो बुझ जाइएगा कि यही जगह है। बात समझ में आ गया? आराम करने का जगह होटल उटल का जगह है। बात समझ में आ गया? रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, होटल, ओयो जो कहिए वही है। बात समझ में आया? किचन अगर लगाएगा रोड के बगल में तो बुझ जाएगा कि आगे ओयो का होटल है, यहाँ रुक सकते हैं, ठीक है। अब ये सब देखिए चतुर्भुज में रहेगा, कैसा रहेगा? चौखुट रहेगा। कैसा रहेगा? चौखुट रहेगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए चौथा, फिर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, और देखिए चौखुट वाला, ये देखिए अस्पताल। ये क्या है? अस्पताल। ये तो था खाली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, झोरा छाप डॉक्टर का, तब हॉस्पिटल है। अब ज्यादा दिक्कत उक्कत हो गया है तो उस कंडीशन में जो है सो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा दो दिन चार दिन पांच दिन के लिए। इससे हमको क्या मिल रहा है? सूचना मिल रहा है। क्या मिल रहा है बाबू? सूचना मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? सूचनात्मक है, इन्फॉर्मेटिव है। और चौखुट में देखिए, ये देखिए चौखुट में, यहाँ देखिए आगे की सड़क पार नहीं, देखिए आगे की सड़क आर पार नहीं है। देखिए सड़क जो यहाँ से चली है जाके लाल है, यानी कि इधर आप आगे नहीं जा सकते, सड़क यहाँ पर खत्म हो गया है। सूचना मिला हमको, क्या मिला? सूचना मिला। ये हो गया आपका इन्फॉर्मेटरी साइन। कैसा साइन हो गया? इन्फॉर्मेटरी। फिर देखिए रास्ता नहीं है, गए रास्ता खत्म हो गया, लाल है, ब्लॉक है, यानी रास्ता नहीं है, चौथा टाइप का हो गया। फिर देखिए इससे भी हमको सूचना मिला कि पार्क अगर गाड़ी को करना है तो किधर करना है, तो दोनों तरफ गिर है, इधर भी पार्किंग है और इधर भी पार्किंग है, दोनों तरफ का पार्किंग है। बात समझ में आ गया? हमारा क्या हो गया? सूचनात्मक चिन्ह हो गया। कैसा चिन्ह हो गया? सूचनात्मक चिन्ह हो गया। आगे देखिए यहाँ पर देखिए पी लिखा हुआ, पी बोले तो पार्किंग, चरखुट में है, किसमें है? चरखुट में, यानी कि चरखुट है तो समझ लेना है कैसा साइन, कैसा साइन चरखुट में था, इन्फॉर्मेटरी, बोले तो सूचनात्मक। कैसा? टैक्सी का फिगर दिया हुआ है, कार का, यानी कि किसका पार्किंग है? टैक्सी का पार्किंग है। किसका पार्किंग है? टैक्सी का। अब यहाँ पर देखिए ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा जिसको टेम्पा का, टेम्पू, टेम्पू का पार्किंग, किसका पार्किंग है? टेम्पू का पार्किंग है। यहाँ पर देखिए पेट्रोल पंप है, क्या है? पेट्रोल पंप। जो 100 रुपया लीटर पता है ना चाचा मोदी के नाम पर, 100 रुपया चाचा मोदी के नाम पर, ये रहा आपका देखिए दहिना बगल पेट्रोल पंप, जाइए 100 रुपये पेट्रोल जो है सो लुटवा के आइए। वही हमको सूचना मिला कि दहिना बगल का है पेट्रोल पंप है। इससे हमको सूचना मिला, देखिए कप है चाय है ना, अगर चाय और पीना है, चाय नाश्ता करना है, ठीक है, सस्ते में निम हो जाना है तो फिर नाश्ता का जगह है। सूचना मिल रहा है सब चौखूट में है, किसमें है? चौखूट में, यानी कि जितना भी चौखूट में। क्या हो गया? इन्फॉर्मेटरी साइन। क्या हो गया? सूचनात्मक। अब एक और आता है खतरनाक साइन, ठीक है, जो हमारा होता है कॉजनरी। क्या होता है? हिंदी में उसको कहते हैं सुरक्षा। क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक। सड़क पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है, त्रिभुज में रहेगा, किसमें रहेगा? देखिए जितना त्रिभुज में है वो सब साइन कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा साइन आपका जो है त्रिभुज में ही रहता है। देख लीजिए इस बोर्ड बैनर में भी सबसे ज्यादा क्या है? त्रिभुज वाला है। त्रिभुज वाला शुरू करते हैं ऊपर से। देखिए रास्ता दीजिए, गाड़ी चला रहे हैं तो हमको रास्ता मांगना है, जिसे कहते हैं ना कि ओवरटेक करना होगा या फिर रास्ता मांगना होगा। रास्ता दीजिए, पास ट्रक के पीछे लिखा रहता है, जगह मिलने पर पास देंगे, लिखा रहता है कि नहीं लिखा, पढ़े कि नहीं, वही बात है। रास्ता दीजिए वाला साइन हो गया। फिर त्रिभुज के अंदर देखिए आगे रास्ता तंग है का मतलब नहीं समझ में आएगा, चौड़ा रास्ता था आगे जाके पतला हो रहा है, इससे पुला रहता है तो पुला के जगह जाके रास्ता पतला ना हो जाता है, तो ये आगे रास्ता पतला है, ठीक है, नैरो रोड इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। क्या कह सकते हैं? नैरो रोड। बात समझ में आ गया? अच्छा अगला साइन की तरफ चलते हैं फिर त्रिभुज में। यहाँ देखिए पैदल यात्री पार पथ, पैदल यात्री इससे रोड पार कर सकता है। क्या कर सकता है? पैदल यात्री, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन।
पेडेस्ट्रियन ना पेडेस्ट्रियन गिव हो गए या फिर इसी को हम लोग जेबरा क्रॉसिंग आर भी कभी कभी कहते हैं। जेबरा क्रॉसिंग बचपन में कहते थे, कब कहते थे? बचपन में, ठीक है। अब इसको कहेंगे पेडेस्ट्रियन गिव हो गए, क्या कहेंगे? पेडेस्ट्रियन गिव हो गए। अब पैदल यात्री पार पथ बोलिएगा हिंदी में तो चलेगा, इंटरव्यूअर हिंदी इंग्लिश दोनों समझता है, सड़क छाप थोड़े है, पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। अब देखिए फिर क्रॉस रोड क्या है, चौमुहाना रहता है, चौमुहाना देखे, चौमुहाना इधरों से चौबटिया समझते हैं, चौबटिया वही चौबटिया है, क्या है चौबटिया? चौबटिया पर बैठ के दोस्त सब क्या करता है, कैबिनेट का मीटिंग करता है, किया है कि नहीं आप लोग बचपन में कैबिनेट मीटिंग? छटिया पंचायती करती है लड़की सब, शिवचर्चा जिसको कहते हैं, लड़की सब चार को बैठेगी तो करेगी शिवचर्चा, लड़का सब करेगा कैबिनेट मीटिंग, वह चौबटिया है, चौबटिया पर बैठ के शिवचर्चा झोटिया पंचायती होते रहता है। अब देखिए फिर त्रिभुज वाला आएगा, ये देखिए बाया ओर का सड़क है, क्या है? बाया ओर का सड़क है, देखिए मोटा मोटा लाइन है करिया, त्रिभुज के अंदर की करिया मोटा है, इधर वाला हल्का सा पतला है, क्या है? हल्का सा पतला, मेन रोड के बगल से वो बाया साइड में छोटा सड़क निकला है, जो क्या बाया और सड़क है, इससे हमको क्या मिला है सूचना, इससे हमको क्या मिला है सूचना, कॉजनरी, क्या मिल गया? कॉजनरी साइन है, कैसा साइन है बोलिए, सूचनात्मक। अभी तक कै गो पढ़े आप लोग? पहला पढ़े मैंडेटरी आदेशात्मक, दूसरा पढ़े क्या पढ़े, दूसरा पढ़े इन्फॉर्मेटरी सूचनात्मक, तीसरा कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल, और यह सुरक्षात्मक सूचनात्मक नहीं, क्या है? सुरक्षात्मक, हमको सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको मिल रहा है। त्रिभुज के अंदर जो रहता है उसको कहते हैं सुरक्षात्मक, क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक। इंग्लिश में आपके नोट्स में है ना, हमारा नोट्स इंग्लिश में रहता है, क्या है कि हम भाई पढ़े लिखे हैं, ठीक है, नर्मेटिक नहीं है, दिक्कत होगा तो हिंदी समझा रहे हैं ना, नोट्स में इंग्लिश में है, यहाँ पर हिंदी में है, मिला लीजिए, नहीं तो पढ़ाते हैं तखनी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए और त्रिभुज वाला खोज दीजिए, देखिए आगे मुख्य सड़क है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको पता है कि इनसे जा रहे हैं तो 80 के स्पीड में है, आगे मुख्य सड़क है तो स्पीड को धीमा करना है, अतः पता चलेगा कि इनसे जा रहे थे तेज में, इनसे आया बस लड़ गया गाड़ी में गाड़ी, है ना, इसमें हमको दुर्घटना हो जाएगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये साइन हमको मिला है, बात समझ में आ रहा है। अगला त्रिभुज के देखिए गोलंबर, देखिए चौराहा के आसपास गोलंबर आता है, पटना में है दिनकर गोलंबर, गए कि नहीं गए? वही गोलंबर वाला चीज है, गोल घूमिए, क्या है? गोल घूमिए, बात समझ में आ गया, ये गोलंबर का साइन है, किसका साइन है? गोलंबर का साइन है। अब देखिए साइकिल क्रॉसिंग, अब देखिए अब साइकिल वाला तो इसको देह पर तब चढ़ा नहीं दीजिएगा गाड़ी, उसको भी पास होने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो साइकिल क्रॉसिंग हमारे इधर से जैसे साइकिल क्रॉस करेगा तो आपको सुरक्षात्मक ढंग से रहना है, ठीक है, ये साइकिल क्रॉसिंग का साइन हो गया, किसका साइन हो गया जी? साइकिल क्रॉसिंग का। अब देखिए पशु होने की आशंका है, जाइएगा पहाड़ इलाका में चौर आर में तो नीलगाय रहता है, क्या रहता है? देखिए नीलगाय आप लोग की नहीं है, नीलगाय के देह पर चढ़ा नहीं देना है गाड़ी, ठीक है ना, तो उसका भी नुकसान होगा आपका भी नुकसान होगा, तो पशु होने का आशंका है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको बता दिया गया कि इधर क्या हो सकता है, पशु होने की आशंका, गाड़ी को ले जाइएगा, कैसे ले जाइएगा? ये समझ में आ गया जी सर। अब देखिए दाएं हाथ का घुमाव है, राइट टर्न रहता है, लहरिया कटा, मान लीजिए कि रोड टेढ़ा है, आप 100 के स्पीड में चल जाइएगा, आगे गबरा में उछल दीजिएगा गाड़ी को, गबरा में थोड़े घुसाइएगा, दिक्कत हो जाएगा, फिर हाथ पैर टूट जाएगा, शादी ब्याह कौन करेगा, नौकरी हो जाएगा, तो करिएगा ना जी, ना रहना है, वही बात है, तो दाहिना हाथ का घुमाव है तो आराम से जैसे दाहिना बगल टर्न ले लेना है, बात समझ में आया? अब देखिए खतरनाक गड्ढा होता है ना, कि रास्ता अचानक से गड्ढा हो जाता है ना, कहीं पर टूट टूट जाता है रास्ता, तो अचानक से कहा जाता है हुचकी, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में? हुचकी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसको कहते हैं देहाती लैंग्वेज, क्या कहते हैं? देहाती लैंग्वेज, है ना, हुचकी है, खतरनाक गड्ढा है, क्या है? खतरनाक गड्ढा, बात समझ में आ गया। अब ये देखिए गार्ड रेलवे क्रॉसिंग, देखिए ये जो है ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जहां पर गार्ड है, होता है ना वो ग्रुप डीआर में नौकरी लगता है जो बैरियर उठाएगा गिराएगा, ये गेट मैन वाला है, गार्ड रेलवे क्रॉसिंग वाला, ठीक है, कभी कभी ऐसा रहेगा कि जहां पर गार्ड नहीं रहता है तो वहां ऐसा भी होता है रेलवे क्रॉसिंग, तो पर आपको सुरक्षात्मक ढंग से निकलना खुद होगा, ट्रेन आर को चारों बगल से देख के ना, तो अगर ठोका गए तो सरकार उसका जवाबदेही नहीं लेगा, ठीक है, तो कभी कभी बहुत सारा ऐसा भी गुमटी होता है जहां पर फाटक नहीं होता है, फाटक वाला है, कैसा वाला है? फाटक वाला है। अब देखिए बच्चा दौड़ रहा है त्रिभुज के अंदर, कैसा है? आगे स्कूल है, तो धीरे धीरे चलेंगे हॉर्न बजा के, कैसे बजा के? हॉर्न बजा के। आदमी काम पर लगा हुआ है, रोड उड बनता है तो आदमी काम पर लगा रहता है ना, रोड के बगल में नल जल का काम होगा तो आदमी काम पर लगा रहेगा, तो आदमी काम पर लगा हुआ है, बात समझ में आ गया। अब देखिए फिर है बाएं हाथ का घुमाव है, यानी बाया तरफ मुड़ना है, इसको कहते हैं राइट हैंड हेयर पिन बैंड, क्या कहते हैं? लड़की सब बाल में क्लिप लगाती है, देखिए क्लिप लगाते हैं,
किसको देखे लगाते हुए? लड़की को देखे, देख लिए है ना? ठीक है, खोले नहीं ना थे फिर उसका। ठीक है, हेयर पिन रहता है एकदम टेढ़ा रहता है, कैसा रहता है इसको हिंदी में कहते हैं घोचाह रहता है, क्या रहता है देहाती भाषा में, कोई हेयर पिन बैंड घोचाह रस्ता है, कैसा रस्ता है घोचाह रस्ता, इतना तनी कम था इतनी ज्यादा है, ये पूरा पूरा घोचाह रस्ता है। बस में तो दहिना बगल का घोचाह रस्ता, एक आएगा बाया बगल का, ये देखिए है लेफ्ट हैंड हेयर पिन बैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड हेयर पिन बैंड, बाया तरफ का घोचाह रास्ता। Yes. आ गया समझ में? Yes, समझ में आ रहा है ना बाबू साहब? Yes, तो याद रखिएगा घोचा रास्ता। अब फिर देखिए यह वाई इंटरसेक्शन किधर के है? बाया तरफ, इसको बोलेंगे बाया तरफ का वाई इंटरसेक्शन, क्या बोलेंगे? बाया तरफ का वाई इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गया? ये हो गया दाया तरफ का वाई इंटरसेक्शन, दहिना बगल से वाई बना हुआ है, दहिना तरफ का वाई इंटरसेक्शन। आ गया समझ में? चलिए इधर देखिए, पहाड़ी इलाका में जाइए ना, मुंबई जाइएगा, छत्तीसगढ़ जाइएगा, तो होता क्या है कि पहाड़ उहाड़ जो है उससे पत्थर उत्थर गिरत रहता है, उत्तराखंड में बरोबर गिर जाता है, तो पत्थर गिरने का संभावना है, चट्टान गिरने का संभावना है, तो ये रहेगा तो वहां पर भाई जवाबदेही आपका, अगर आपके देह पर पत्थर गिर गया तो सरकार उसका कोई जिम्मेदार नहीं बनेगा, है ना, सिंबल दिया हुआ है कि चट्टान आगे गिर रहा है या गिरने का संभावना है, तो अपना हिसाब किताब से जाइए। देखिए रोड अचानक चढ़ाई रहता है, है ना, अचानक चढ़ाई रहता है तो वही है तीव्र चढ़ाई, क्या है तीव्र चढ़ाई का साइन। ये सब साइन जो है सब साइन याद कीजिएगा, ना तो ये सब साइन भूल जाता है लोग ना, ये सब साइन तो लगभग याद रहता है, लेकिन यही सब जो है एकदम टेक्निकल है, तो सब चीज को याद रखना है, है ना, तीव्र चढ़ाई, क्या हो गया तीव्र चढ़ाई, एकदम हाई स्लोप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाई स्लोप बोलेंगे। चलिए फिर आ जाते हैं दाया ओर का उल्टा घुमाओ, जैसे होता क्या है कि गए आगे फिर पीछे आए फिर आगे गए, होता है कभी कभी, ये हो गया दहिना तरफ का घुमाओ उल्टा घुमाओ, क्या हो गया दहिना तरफ का उल्टा घुमाओ, ये हो गया बायां तरफ का उल्टा घुमाओ, आए आए आई से, है ना, हो गया बायां तरफ का उल्टा घुमाओ, इसको बोलते हैं दहिना तरफ का उल्टा घुमाओ, है ना, ये हो गया कंप्लीट इंटरसेक्शन, ये था दाहिना तरफ का इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन, और ये था बायां तरफ, ये था दाहिना तरफ का बायां, ये बायां, लेकिन चूंकि केवल दाहिना बगल है ना बायां बगल एकदम बीचों बीच है, इसको हम केवल क्या बोलेंगे वाई इंटरसेक्शन, तीनों फिगर में तो समझे, यह है लेफ्ट हैंड वाई इंटरसेक्शन यानी बायां तरफ का वाई इंटरसेक्शन, यह है दाहिना तरफ का वाई इंटरसेक्शन, यह केवल वाई इंटरसेक्शन, वाई इंटरसेक्शन समझते हैं, अरे एगो रोड गया है आगे जाके दूगो रोड बन गया है, एगो रोड जाता है आगे जाके दूगो ना बन जाता है, वाई इंटरसेक्शन, एगो मोटा रोड आता है आगे जाके दूगो पतला पतला रोड बन जाता है, ये हो गया वाई इंटरसेक्शन, समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए ये देखिए तीव्र ढलान, अब चढ़े हैं तो ढुलकेंगे भी ना, है ना, कि पहाड़े पर टिंगल रहेंगे, तीव्र ढलान, ये क्या हो गया तीव्र ढलान, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर रास्ता चौड़ा हो गया था, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ दीजिएगा सर जी, चौड़ा रास्ता आगे जाके पतला हो गया था, एक समय आएगा फिर पतला रास्ता क्या होगा चौड़ा, देखिए पतला रास्ता फिर क्या हो गया है चौड़ा हो गया है, पतला रास्ता फिर क्या हो गया है चौड़ा, था आगे का रास्ता कैसा है चौड़ा है, रोड एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं रोड एक्सपेंशन। आगे देखिए आगे अवरोधक है, देखे है अच्छी गिराता है बैरियर, अच्छी उछलने के लिए पैसा गाड़ी में ना होता है, फास्ट टैग अगर नहीं लगाता है तो टोल टैक्स, टोल टैक्स उछलने के लिए बैरियर लगाता है, वही बैरियर है, आगे अवरोधक है, अवरोधक इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर, क्या बोलते हैं बैरियर, ये सब साइन याद रखिएगा, बात समझ में आ गया, आगे अवरोधक है, बात समझ में आया। अब एगो दूगो साइन और है नीचे, तुम देखिए त्रिभुज में एगो साइन रहा नौ का, नाव वाला चिन्ह है, किसका चिन्ह है नाव वाला, ठीक है, ये हो गया दहिना बाया दोनों बगल का सड़क, ये क्या हो गया दहिना बाया दोनों बगल का सड़क, ठीक है, गार्ड रहित, ये देखिए ये गार्ड रहित, ये इसमें गार्ड नहीं है, ये ऐसा रेलवे क्रॉसिंग हम तो पहले बता दिए कि इसमें गार्ड नहीं है, तो यहाँ पर अगर कोई घटना दुर्घटना होता है तो उसका जवाबदेही आप पर खुद है, आप देख लीजिए कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आप रोड पार कीजिए, बस समझ में आ गया, चार प्रकार का आप लोग जान लिए, चार प्रकार का जान लिए रोड साइन, समस्या है तब बोलिए, जान गए चार प्रकार का होता है, सबको आ गया, चार प्रकार को समझ लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत।